हमारे लिए बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। छोटी थी मैं, लेकिन जिन पे भी बिहारियों को मुझसे सुनती थी कि सबसे खूबसूरत कौन, तो जवाब मिलता था सानिया मिर्जा। और उन्होंने जब पाकिस्तान जाके शादी कर लेना, तो हम बिहारियों के दिल पे क्या छुई चली है हमसे पूछो। और अभी आप लोगों ने हमसे पहले तो देख ही लिया होगा कि सानिया मिर्जा का डाइवोर्स होने वाला है। पता नहीं डाइवोर्स भी नहीं, पता नहीं क्या क्या इन लोग का, मतलब मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है कि उस कम्युनिटी में क्या क्या कैसे चीजें करी जाती है। बट लोग बोल रहे हैं कि डाइवोर्स भी नहीं हो रहा, तो मतलब क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको? प्लीज ब्रीच। शोएब मलिक विल गिव डाइवोर्स टू सानिया मिर्जा एंड गोना मैरिज टू सना जावेद इन 2024 टेक एसेस मेहरान 2022। मेरे को इस आदमी से मिलना है, कौन है ये? कोई इस बाबा जी का नंबर ढूंढ दो, अपना फ्यूचर पूछ रहा है। बाबा जी नहीं, उनको क्या बोलते हैं, मौलाना। ये शोएब मलिक का ही पंडित है। क्या पता शोएब मलिक ही हो, फेक अकाउंट से आइडिया दे रहा हूँ सानिया को, देख कितनी हरामी हूँ मैं, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब डाइवोर्स हो रहा है उसका, मैं उस पर जोक्स नहीं, मैं जोक्स नहीं बना रही हूँ, मुझसे जोक्स नहीं बन पाते, मैं तो बस मीम्स पढ़ रही हूँ। अब तुम हंस रहे होगे तो तुम्हारी गलती, तुम्हारा हंसना देख के मेरे को हंसी आ रही है, वरना मेरे को हंसी नहीं आती। वैसे शोएब डिडंट गिव डाइवोर्स, सानिया टेक खुला फ्रॉम हिम, क्या मतलब है इसका? तब मुझे इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्या होता है खुला छुट्टा? शोएब मलिक के पास 500 के नोट थे और सानिया मिर्जा ने उनको खुला दे दिया, ये लो 500 के खुले, हमारे यहाँ कोई नहीं देता है। सानिया मिर्जा का दिल बहुत बड़ा है भाई, खुला दे रही है वो। वो कौन सी 5 लड़कियां हैं, उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं किसी भी इंडस्ट्री से हो? क्या यार ये मेरे दिल को लगी है ठा करके, ये बड़ी प्यारी लड़कियां, स्पोर्ट्स हो सकती है, इंडस्ट्री की हो सकती है, मजे की बात बताऊं, मजे की बात बंदी है वैसे ही ठा करके लगती है वो, ठीक है। 5 लड़कियों के नाम बताओ। 5 नहीं, मैं 500 हैं। बहुत अजीब था। अच्छी ये इंटरव्यू कब आया था? सानिया ने उनको तभी खुला क्यों नहीं दे दिया? ले भाई खुले जा जा, मतलब ये क्या भाई, ही इज फॉर द स्वीट्स, और कुछ नहीं बोल सकती मैं, मतलब अगर लड़की करती कोई ये, वैसे तो लड़की ने किया भी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देख लिए, पोस्ट देख लिए, जो कि सानिया मिर्जा को उल्टा मॉक कर रहे हैं, ये और करो शादी, लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? मतलब एक तो वो अपने आप सफर कर रही होंगी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई, ऊपर से लोग उनको ही और बुरा बोलेंगे तो उनको कैसा लगेगा भाई। पाकिस्तान के ही किसी प्यारे बंदे ने लिखा है, सैड डे रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन ग्लोबल लेवल, डे रिप्रेजेंट और इंडिविजुअल माइंडसेट, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अगर ग्लोबली हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या ही मतलब छाप छूटेगा। वैसे तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रहने दो, लेकिन ये सब वीडियो अभी क्यों बाहर आ रहे हैं? सानिया मिर्जा को पहले से नहीं पता होगा कि अब क्यों बता, अब ऐसा लग रहा है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं लोग, जले पे नमक छिड़क रहे हैं ऐसा लग रहा है, पहले दिखाना था ना सानिया को। आग लगी हुई है क्या? सना जावेद ने शोएब मलिक से शादी कर ली, अच्छा सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें आ रही हैं, वो सच्ची हैं कि झूठी हैं? उन्होंने अपने पेज पे कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, अच्छा जी वो तो देख रहे हैं हम, जो तो फोन आ रहे हैं मुझे और बार बार मुख्तलिफ लोगों के फोन, उसके अलावा जो चैनलों के मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे तो गुस्सा चढ़ गया भाई, और मुझे इतनी चिड़चिड़ती इस बात से कि भाई अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ हुई है, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, शोएब मलिक मेरा क्लास फेलो था, और सना जावेद मेरे साथ बचपन में खेलती थी, मैं उनकी फैमिली में हूँ क्या? और मैं क्यों बताऊँ, मुल्क का क्या हशर हो गया है, दुनिया पागल हुई है, मुल्क में बेरोजगारी है, भूख है, इलेक्शन नहीं हो रहे, खप है, हम तो आपको एंटरटेन करने की कोशिश करें, आपका काम है कि सना जावेद ने शोएब मलिक से शादी कैसे करी, उसकी पहले शादी होती थी, ये है कौन वैसे, मतलब इसको क्यों ऐसा लोग फोन कर रहे हैं, ये भी उनकी एक्स रह चुकी है क्या? आई हैव नो आइडिया गाइस, तो ये उनकी एक्स रह चुकी है या इन्होंने उनकी शादी कराई है, कौन है ये, इतना बुरा इनको क्यों लग रहा है, इनको इतना ही दिक्कत है कि लोग इनसे फोन करके पूछ रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कर दो कुछ दिनों के लिए, लोगों को जो मजा आता है ना भाई मसाला डालने में, तुम इनसे पूछो मेरे को भी बड़ा मजा आता है। मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता, सुबह शकीला दोपहर फजीला रात जमीला। अच्छा सानिया के पहले भी इनकी शादी हो चुकी तभी, लेकिन लड़कियों को ये चीज समझनी चाहिए, मतलब जिन्होंने भी शादी करी है उनसे, सना जावेद उनको ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है? अगर कोई लड़का किसी और लड़की को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा है, तो वो तुमको छोड़ के किसी और लड़की के पास भी जाएगा, ये लड़का लड़की जो भी कर रहा है, बात तो सही है, मतलब ये कितनी बेसिक सी चीज है, ये तुमको समझ आनी चाहिए, ये जिसको समझ में नहीं आया वो एकदम फुद्दू बेवकूफ पागल चूतिया जो भी बोल लो है। ये अचानक से नहीं हुआ, ये शायद ये सारे न्यूज थोड़े दिन पहले भी आए थे, लेकिन उन लोगों ने शायद क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से मतलब ये शादी हो गई, तो ये हम लोग के लिए जितना शॉकिंग है उतना ही शायद सानिया के लिए भी होगा। शोएब मलिक खिलाड़ी निकला असली में, और ये बंदा मतलब सानिया से इतना ऑब्सेस्ड है कि इसने बस आई हटा के और दूसरी लड़की को सना नाम से ढूंढ लिया, उससे शादी कर ली, तो ये मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है सच में। और शोएब मलिक के तुम चॉइसेस इन वुमेन देखोगे ना, तो मतलब तुमको समझ आएगा कि एक टाइम था जब उनको चबी लड़कियां पसंद आती थी, सबसे पहली वाली वैसे लग रही है, दूसरी वाली फिट एकदम, उनसे थोड़ा ऐसे अब
तीसरी वाली जो आई है वो एकदम ही ऐसे, अब अगली बार लग रहे हैं कार्डबोर्ड से शादी कर लेगा। चार शादियां तो करेगा ये देखना, ये भी नहीं टिकेगी। इसका तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लो। कहां बेचारी सानिया मिर्जा ने अपने पूरे देश का हेट संभाला था उससे शादी करने के लिए सिर्फ, और अब देखो फिर से उस पूरे देश का हेट संभालना होगा। यार करो ऐसा ही लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये मुस्लिम हिंदू और इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं यार, मतलब बहुत सारे आदमी हैं, और ऐसा देखा है मैंने इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा है सानिया के लिए, क्योंकि अगर तुम नॉर्मली ले लो लोगों को जो लोग शादी कर लेते हैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके, तो उनको सिर्फ अपने फैमिली का सुनना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा अपने गाँव का सुनना पड़ता है, लेकिन सानिया मिर्जा पूरे देश का सुन के फिर शादी की थी उससे, और उसने मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है गाइस। मेन आर मैजिशियन। भविष्यवाणी नहीं लिखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा। सानिया मिर्जा का नाम लेते ही पता नहीं क्यों वो गाना याद आ रहा है, मोई 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 मोरे मोई मोरे। आमिर खान की तो खुद दो तीन शादियां हो चुकी हैं यार, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया वाली बात नहीं है, इंडिया में सच में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। सिलीजन ने बोला था मेन आर मैजिशियंस, मैंने ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले। हमारा ये है, हम पैदा होते हैं, हमें प्यार मिलता है, उसके बाद डांट से काम शुरू होता है, पहले पेरेंट्स से, फिर बीवियों से, फिर वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। I want to tell everybody on this show के I think Zainab will agree with me, आप कोई भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स की फेवरेट टॉपिक है बीवियों का मजाक उड़ाना। ट्रू, ये कब हुआ? तो उसके लिए आप दूसरे शो पे आए, ये शो पे वो नहीं चलेगा, उसके लिए हम दूसरा शो करेंगे आपके लिए जब आप बीवियों को रोज करेंगे। नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है, ये इनका फेवरेट ये समझते हैं, हाँ साड़ी बुड्ढी तुआडी बुड्ढी, मतलब ये हमें अब पता चल रहा है, सानिया को बहुत पहले से पता था, वो तो बस उछालना नहीं चाह रही थी मीडिया में कि भाई छोड़ो अब जो है मैं सह लूंगी, मेरे देशवासी नहीं सहने चाहिए, शक्ल देख के कभी शादी नहीं करनी चाहिए, ये शोएब मलिक या जो भी है, मतलब शक्ल देखेगा कोई तो बोलेगा हैंडसम है, मेरे नजरों से देखो तो वो बदतमीज है। इट वॉज रियली नाइस टू सी सानिया स्टैंड फॉर हरसेल्फ, लेकिन फिर से वही मैं बोलना चाहूंगी कि ये वही बात हो गई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फेवरेट टॉपिक नहीं है ये, करण जौहर का शो ही ले लो तुम, तो उसमें अजय देवगन और भी बहुत सारे लोग अपनी बीवियों का मजाक आके उड़ाते हैं, मतलब रणबीर कपूर तो उड़ाता ही, और उसको लोग बोलते हैं कि वो लव लैंग्वेज है उसका, मतलब ये ऐसा तो होता ही है यार, ज्यादातर मन यही करते हैं कि अपनी बीवियों को नीचा ही दिखाते हैं, इसीलिए गाइस मुझे शादी नहीं करनी, कभी नहीं भाई, मैं खुद रेड फ्लैग हूं। इफ यू कुड टेक वन थिंग दीस एक्टर्स नॉट करियर जस्ट देम व्हाट वुड इट बी फ्रॉम सलमान सिंगल स्टेटस, इफ काजल वर टू सरप्राइज यू बाय रिटर्निंग अर्लियर देन शेड्यूल्ड फ्रॉम अ हॉलिडे व्हाट वुड शी सी यू डूइंग, आई होप दैट नेवर हैपेंस, व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन रीजन इफ काजल इज नॉट टॉकिंग टू यू, वेटिंग फॉर दैट डे। How do you handle that? You all are both doing the same field. Can I shut him up? Shut him up or I shut my ears? So after 5 minutes, he realizes I'm not listening to him. Oh, really? Does that happen also with your wife sometimes? Most of the time. That's where I learned. देखा कूल बनने के चक्कर में यही कर सकते थे वो, पर मेरे को तो यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा है कि अजय देवगन एक्ट कर रहा है या मतलब कूल बनने के लिए बोल रहा है, ऐसा लग रहा है वो सच ही बोल रहा है। और सबसे डिस्गस्टिंग चीज मेरे को इसमें ये लगी कि उसमें करण ने पूछा कि अगर काजोल कभी अपने वेकेशन से वापस आती है तो वो क्या देखेगी तुमको करता हुआ, तो वो बोलता है कि काश ऐसा कभी ना हो, इसीलिए गाइस शादी नहीं करनी, और नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आएगा करण जौहर के शो पे। इफ यू गाइस लव्ड वाचिंग दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, योर मोस्ट फेवरेट पार्ट from the video, subscribe to my channel, I'll see you soon in the next video, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।